हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में। आज अपन जानेंगे दोस्तों जेनफ्लॉक्स 100 DT टेबलेट के बारे में, जो कि ज़्यादातर तभी यूज में लाई जाती है जब बच्चों को फीवर हो गया हो, या बच्चों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, या बच्चों को निमोनिया हो गया हो, या बच्चों को नॉर्मल बुखार है, तब इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पहले इसकी पैकिंग देख लेते हैं। देखिए पैकिंग बहुत बढ़िया है। ये जो है 10 गोली के पैक में आती है। इसकी जो मार्केटिंग है मैनकाइंड फार्मा करता है। इसकी जो मैन्युफैक्चर है कपमेड फार्मा के द्वारा ये बनाई गई है। इसकी जो MRP है वो भी दिखा देते हैं। ₹26 इसकी MRP है। और इसमें जो ड्रग मिली हुई है वो है ओफ्लॉक्सिन 100 mg। ये सभी दवा दुकानों पर आसानी से मिल जाती है। ये ऑफलाइन भी मिलती है और ऑनलाइन भी। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। यह जो दवा है एक प्रकार की एंटीबायोटिक दवा है, जो कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ने का काम करती है। और जैसे कि बच्चों को अगर निमोनिया हो गया हो, या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया हो, या फिर गोनोरिया हो गया हो, या एंथ्रेक्स या प्लेग हो गया हो, या फिर नॉर्मल बुखार है, या फिर किसी कारणवश बुखार आ गया हो, तब इसका उपयोग किया जाता है। यह जो है बैक्टीरिया के होने वाले इन्फेक्शन के इलाज में उपयोग में लाई जाती है। अगर बच्चों की आंखें लाल हो रही हो, या आंखों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तब भी ये उपयोग में लाई जाती है। और यह जो दवा है डॉक्टर के द्वारा निर्देशित और प्रिस्क्राइब भी की जाती है। अब इसमें जो ड्रग है ओफ्लॉक्सिन, उसके बारे में बता देते हैं। जो ओफ्लॉक्सिन है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, जो कि फ्लोरोक्विनोलोन नामक दवाओं के वर्ग से संबंध रखता है, जो कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले इन्फेक्शन को ख़त्म करने का काम करता है। अगर किसी प्रकार का भी इन्फेक्शन हो जाता है बच्चों में, तब इसका उपयोग किया जाता है। और अब जानते हैं ये कार्य कैसे करती है। यह जो टेबलेट है ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से लड़ने का काम करती है। यह जो टैबलेट है बैक्टीरियल DNA को नुकसान पहुंचाती है, और इसी प्रकार बैक्टीरिया के DNA के संश्लेषण को भी बंधित करने का काम करती है, जिससे कि बैक्टीरिया के DNA की जो सेल डिवीजन है वो प्रक्रिया हो नहीं पाती है, और बैक्टीरिया वहीं की वहीं मर जाता है। तो ये इसका कार्य हो गया। इसका उपयोग जानते हैं कब करना चाहिए। अगर आपके बच्चों को किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया हो, तब आप इसको उपयोग कर सकते हो, या फिर यूरिन इन्फेक्शन हो, या फिर कान में किसी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, या फिर सूजन आ गई हो, या फिर स्किन का इन्फेक्शन हो गया हो, या बुखार आ गया हो, या नॉर्मल बुखार हो, या ब्रोंकाइटिस के इन्फेक्शन हो, या आँखों का संक्रमण हो, या टाइफाइड या बुखार आ गया हो, या टाइफाइड रोग हो गया हो, या दस्त लग रहे हों, या सर्दी खांसी हो गई हो, तब इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन डॉक्टर की सलाह से, बिना डॉक्टर की सलाह से इसका उपयोग ना करें, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, एलर्जी हो जाना, या स्किन में दाने आ जाना, या स्किन में लाल चकत्ते हो जाना, पेट में गैस का बनना, और ठंड का लगना, इसके साइड इफेक्ट हैं। इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से ही लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से ना लें दोस्तों। और इसका जो डोज है एक एक गोली सुबह शाम खिला सकते हैं, 3 दिन तक इसको खिला सकते हैं लगातार। तो ये था जेनफ्लॉक्स 100 DT टेबलेट के बारे में दोस्तों। जो 100 DT यानी कि माउथ डिजॉल्विंग टेबलेट, इजीली डिजॉल्व हो जाती है, डीजी यानी डिस्पोजेबल होती है ये। तो ये था दोस्तों जेनफ्लॉक्स 100 DT टेबलेट के बारे में जानकारी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।